गाइस, मैं हूं ज्योति अजवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मैं अनबॉक्स करने वाली हूं और साथ ही साथ असेंबल करके आपको दिखाने वाली हूं नयाशा कंपनी का मॉड्यूलर ड्रॉअर, जो कि 5 रैक्स का होने वाला है और एक्स्ट्रा लार्ज साइज का होने वाला है, जिसमें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रख सकते हैं। और मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये देखिए, बड़ा सा बॉक्स आके रखा हुआ है। तो चलिए आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, पूरा असेंबल करके दिखाती हूँ कि किस तरह आपको भी करना है ईजी तरीके से। ऐसे तो मैंने बॉक्स को ऑलरेडी ओपन करके चेक कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, आप लोग को सबसे पहले मिलेगा ये, जो कि है आपका बेस, जिसमें कि आप लोग रखोगे। उसके बाद आपका एक के ऊपर एक ड्रॉअर रखाते जाएगा। तो ये पहला सामान हो गया। दूसरा सामान है ये, जो कि है ड्रॉअर, और इसमें टोटल 5 ड्रॉअर है। और नेक्स्ट है ये वाला, जो कि है इसका कवर, जो कि आप लोग का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा। सो है इज द असेंबली इंस्ट्रक्शन। सारी चीज़ों का आपको निकालती हूँ। सारे ड्रॉअर निकल जाओ। ये निकल गया ड्रॉअर, और ड्रॉअर के अंदर भी आपको एक एक प्लास्टिक मिलता है, जो कि है इसका ड्रॉअर कवर। ये जो है ना, आगे में लगेगा कुछ इस तरह से, ताकि आपका कवर जो है ये सुंदर दिखे। कवर करके रखेगा तो ये अच्छा दिखेगा, लुक अच्छा वाला आएगा। अभी मैं इसमें खोज रही हूँ साइड का चीज़, जो कि ये देखिए यहाँ पर है। सारे को निकाल लेती हूँ, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ना, असेंबलिंग के लिए ज़रूरत होती है कि जितने भी चीज़ें हैं सबको आप अच्छे से सजा करके एक साइड रख लो, ताकि असेंबलिंग के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। पर मैंने सारी अनबॉक्सिंग लगभग कर ली है, बस एक ये वाला बचा हुआ था। और आप लोग देखो कितनी अच्छे से, मतलब पैकेजिंग होकर के आई है। ये सब पूट वगैरह दिया गया, ताकि आपका कोई भी सामान ना ब्रेक ना करे। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन सामान जब भी आता है तो टूट जाता है, फूट जाता है, बट यार आज तक ना मुझे कभी ख़राब सामान नहीं मिला। इवन अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ और ये भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और मस्त है यार। तो आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आपको किस तरह स्टेप चालू करना है। सबसे पहले आपको लेना है ये वाला ड्रॉअर, और इसके साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला चीज़, जो कि है इसका लिड आगे का। तो इसको आपको लेना है कुछ इस तरह से, और इसका ये वाला जो साइड है वो थोड़ा सा स्लाइड होता हुआ दिखेगा, तो उसी साइड में आपको इसको लगाना है। यहाँ पर आपको ऐसे एरिया भी दिख जाएगा लगाने का, तो आपको बस इसको नीचे करना है और इस तरह करके इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से अटका करके मुझे इसको अंदर घुसाना है, और इसको लगाते वक्त ना अच्छे से ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम लेता है, बट हाँ जब सेट हो जाएगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी टाइम तक टिकेगा। कुछ इस तरह से ये सेट होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 3 करके रखा था। ये चौथा भी यहाँ पर सेट हो चुका, और एक बचा है, इसको भी करके कंप्लीट कर लेती हूँ। मेहनत तो भाई लगता है, बट जब बनने के बाद ये खूबसूरत हो लगता है ना, उसकी बात ही अलग है। और ये बन जाएगा ना, तो उसमें आप लोग का स्पेस काफ़ी अच्छा है, सामान आप लोग काफ़ी ज़्यादा रख पाओगे। ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। और नयासा कंपनी तो खैर यार, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। सो हेयर इट इज़ डन। मेरा 5वां ड्रॉअर बन करके रेडी हो चुका है। अब मैं सारा बेस तैयार करना चालू करूँगी, जिसमें कि इसको हम लोग को घुसाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है ये वाला, ये होगा हमारा नीचे का बेस, जिसके ऊपर हम लोग को सारा चीज़ रखना है। और आप लोग को अलग से ये 4 चीज़ें मिलेंगी, इन चारों को आप लोग को इसके नीचे लगाना होगा, ताकि ये अच्छे से स्टैंड करे। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, बस आराम से इस तरह कीजिए और ये टाइट हो जाएगा। सो ये हो गया। उसके बाद हम लोग को ये 4 पीस लेना है, और ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, जो कि पूरा गोलू पोलू सा है, उसको हम लोग को यहाँ पर डालना है। तो अच्छे से डालिएगा, थोड़ा दम टाइट करके, दम लगा करके, वरना ना ये अच्छे से जाएगा नहीं अंदर और दिक्कत करेगा आपको।
तो यहाँ पर नीचे का मेरा बेस हो चुका है, इसके ऊपर हम लोग को यही सेम चीज़ को रखना है और ये करना बहुत इजी है। सबसे इजी ना इसमें यही है, इसके ऊपर रखना है इसको, क्योंकि टाइट करने में ना हालत ख़राब हो रही है मेरी, और अगर अच्छे से टाइट नहीं करूँगी तो फिर सेट नहीं होगा, और सेट नहीं हुआ तो यार हम लोग का प्रोडक्ट सुंदर लगेगा कैसे। ये वाला करना, ये वाला घुसाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट करके हम लोग को घुसाना होता है। पहली बार में तो मुझे लगा कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं, बट फाइनली कर ही लिया मैंने। अगेन इसके ऊपर ये वाला, और सिमिलरली हम लोग को बाकी जितने भी है ना सबको इसी तरह लगाते जाना है, ताकि एक के बाद एक स्टेप हम लोग का कंप्लीट होते जाए। सो गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल अपना 5 फ्लोर बना लिया है, कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 लग गया। अब हम लोग को इसके ऊपर ये वाला लगाना है, यही सबसे फाइनल पार्ट है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना होगा एक्स्ट्रा। इसको करते करते मेरी हालत पस्त हो चुकी है। सो इट्स फाइनली फुल्ली कंप्लीटेड, सब कुछ हो गया, मैंने सारी चीज़ें इसमें सेट कर दी। अब मैं आपको इसके अंदर ड्रॉर्स को घुसा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सेट कर लिया है, बट मैंने एक गड़बड़ कर दी है, और वो बहुत बड़ी मिस्टेक एक्चुअली मैंने कर दी है। यहाँ पर देखिएगा, एक एरिया प्लेन होगा और एक एरिया थोड़ा गोलू गोलू टाइप होगा, मतलब थोड़ा सा कर्व करके होगा, तो कर्व वाला सारा एक साइड जाएगा और ये प्लेन वाला सारा एक साइड जाएगा। ऐसा नहीं है सारा एरिया सेम नहीं है, तो ये वाली गलती मेरे से हो गई है, जो कि वाकई बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे ना मुझे इसको घुसाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए यहाँ पर प्लेन था और मैं इसको यदि घुसाने की कोशिश करूंगी ना यहाँ पर, तो ये देखिए ये घुस ही नहीं रहा है, यहाँ पर ये वाली इशू आ रही है। लेकिन यदि मैं ऊपर में घुसाने की कोशिश करूंगी तो ऊपर में आराम से चला जा रहा है, ये देखिए ऊपर में ये सेट हो गया, लेकिन नीचे वाले में नहीं होगा। फिर यहाँ पर सही था तो यहाँ पर भी ये सेट हो जाएगा आराम से। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर भी सेट करके, तो ये देखिए इस जगह पे भी सेट हो गया, बाकी 3 मैंने उल्टा कर दिया था, तो कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब मुझे ना इसको इस तरह घुसाना होगा ऐसे करके, तो आधा उल्टा आधा सीधा हो गया, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो चुकी है मुझसे। ये कंप्लीटेड, इसमें तो था, ये रहा यहाँ पर। तो आप लोग ये वाली मिस्टेक प्लीज़ मत कीजिएगा, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको वापस से ठीक करूँ। सब कुछ तो आपको मैंने सिखा दिया, और ये ना सेट बहुत ही कमाल का है, इसमें जो स्पेस आपको मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये देखो इतना सारा स्पेस, इसमें आप लोग किचन के सामान रख सकते हो, अगर आप बेडरूम वगैरह में भी कुछ रखना चाहो तो वहाँ पे भी रख सकते हो। इसकी हाइट टोटली है 2 फिट की, 2 फिट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और अगर विड्थ की बात करूँ तो ये वाली विड्थ इसकी 1 फिट की है, तो आपको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इसमें रखने के लिए। आप लोग उसको बेडरूम में, किचन में, वार्डरोब की तरह एनीथिंग इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं तो उनके कपड़े रख सकते हैं, उनके तेल साबुन जो कुछ भी होता है सब कुछ आप लोग इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आप इसे बाय करने का सोच रहे हैं, तो इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं इसका प्राइस कितना है, तो भाई मैंने तो इसको लगभग 2000 में लिया है। आप लोग एक बार चेक कर लेना कि अभी का प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो मस्ट गो टू दैट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसे बाय कीजिए। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।